नहीं जी आ जोड़ो खाने पे लगे हो तुम प्रसाद खाने का दे रखा दगड़ियो। अब हमारे जो शिव पूजा और हमारे जो दर्शन जो हम कंथन भगवान जी का सब दर्शन कर लेन भगवान जी का आज हम साक्षात मतलब इन लगी कि हम दगड़ी चल लगे और हमेशा हम दगड़ डाला। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी शिवलिंग पर हमारी जो तस्वीर पारदर्शी जो दिखाने लगी हमारी तस्वीर से दिखाने लगी तो एक नेचुरल से भगवान जी पहले एकदम कह के दर्शन नहीं देना। जब हम शिवलिंग में पानी चढ़ना तो अचानक हमारी मूर्ति आकृति सामने माँ शिवलिंग पर दिखें थी तो बहुत अद्भुत शिवलिंग थी और या माँ शिव जी को जो भी आप लोग मनोकामना भगवान जी सब पूर्ण करना। धन्यवाद आप लोगों के बीच ब्लॉग्स करने लगे आप लोगों तय जरूर लाखा मंडल आया और लाखा मंडल में शिव भगवान का दर्शन जरूर करें या कण कण में भगवान छन बसिया। धन्यवाद और मैं दगड़ छन संजय सिलोड़ी जी अपना दुई विचार रखड़ा। दगड़ियों आज हम लोग एक लाखा मंडल में छन शूटिंग कर मस्त आया छन बट भगवान को आशीर्वाद छे कि आज हम मंदिर में भव्य भवन में हम लोगों ने प्रवेश करी और हम लोगों ने एक आज उत्तराखंड की विरासत का तौर पर भगवान भोलेनाथ को दर्शन करी। यख यु मंदिर पांडवों के देन छ यख बहुत बड़ी बड़ू महात्मा छ बहुत बड़ी महात्मा यख और हम यख एक शिवलिंग देखी जैमा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में जल चढ़ा तो वह मैं अपना प्रतिबिंब दिख दूँ बहुत ही खूबसूरत प्रतिबिंब छ। और सभी लोग बोलता कि चिंता हरने वाले भोलेनाथ हैं वो हम सबकी चिंता हर लेते हैं और बस हम लोग यही बोलेंगे कि जो भोले बाबा के भक्त हैं वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। बहुत इतना सारी चीज़ों का समावेश बहुत कम होता है जो यहाँ पर हमें मिला है और भगवान के दर्शन करें ताकि आप सबकी चिंताओं का जो है आप चिंता मुक्त हो जाएं और अपने अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अपने प्रगति करें और अपना जो गृहस्थ जीवन है अपना जीवन है उस सबको आनंदमय तौर पर जी पाएँ। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बोला यहाँ पर जरूर आएँ और जैसे बताएँ यहाँ पर जो चारों धाम यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का जो ये पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को इस पहाड़ के भी चारों धाम आप लोगों को नज़र आते हैं। यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर जो पंडित जी हैं जिनको पूरा ज्ञान है इस चीज़ का उन्होंने बताया पूरा व्यक्त करवाया और इस शिव जी के जो चारों तरफ जो है जो पहाड़ हैं तो एक मंडल है और बीच में ये कमल है तो इसको तभी इसका नाम पड़ा लाखा मंडल। धन्यवाद लाखा मंडल में बहुत सुंदर और शिव जी को स्थान से धन्यवाद नमस्कार।